कभी नहीं सुनती। देख कितने लोग मुझे सुनने आए, वो भी टिकट खर्च के। कपिल शर्मा इस समय बड़े परेशान हैं और इसकी वजह है उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ की नाराजगी। दरअसल कपिल शर्मा जब अपने शो द कपिल शर्मा शो का शूट खत्म करके घर जाते हैं तो एकदम चुप हो जाते हैं और बात तक नहीं करते। कपिल शर्मा ने इस बारे में खुद हाल ही के एपिसोड में खुलासा किया। द कपिल शर्मा शो के बीते एपिसोड में न्यूज एंकर्स श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी आई। कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद उनका किसी से बात करने का मन करता है। जवाब में अंजना ने कहा, स्टूडियो से बाहर आने के बाद मैं कुछ देर के लिए चुप रहती हूँ और किसी से बात करने का मन नहीं करता। इतना सुनते ही कपिल शर्मा कहते हैं, सच में ना? तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यही बात मेरी वाइफ गिन्नी को समझाइए, क्योंकि वो हमेशा ही शिकायत करती है कि मैं बात नहीं करता। वो बिल्कुल नहीं समझती, जब भी मैं घर जाता हूँ तो चुप रहता हूँ। गिन्नी को लगता है कि मैं उनसे बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि मैं चुप नहीं रहना चाहता, पर स्थिति ऐसी होती है कि मेरा कुछ देर शांत रहने का मन करता है। अंजना कपिल शर्मा के इस बात से सहमत होती है और फिर वो स्क्रीन की तरफ मुंह करके गिन्नी को समझाती है। वही कुछ महीने पहले कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो शेयर की थी जो कि गिन्नी के लिए था। वो वीडियो उनके टूर का था। वीडियो में कपिल शर्मा कह रहे थे, गिन्नी तू मेरी कभी नहीं सुनती, देख कितने लोग मुझे सुनने आए हैं, वो भी टिकट खर्च करके। इतना कहकर कपिल शर्मा जोर जोर से हंसने लगे थे। हालांकि इस वीडियो को शेयर कर कपिल ने तुरंत ही वाइफ गिन्नी चतरथ से माफी मांग ली थी। कपिल शर्मा ने गिन्नी से 12 दिसंबर 2018 में शादी की थी। वो 2019 में बेटी अनायरा के पेरेंट्स बने तो 2021 में गिन्नी ने बेटे को जन्म दिया। कपिल शर्मा और गिन्नी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और कुछ समय बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे थे। वही बात करें कपिल के शो की तो जल्द ही शो में कृष्णा अभिषेक की वापसी हो सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान कृष्णा ने खुद ही कपिल शर्मा में वापसी का ऐलान किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।